इसकी प्राइस क्या है मार्केट में और आपकी प्राइस में क्या फ़र्क है? 1164 GB मार्केट में जो अवेलेबल है उसकी प्राइस है 1250 1250 अगर हमारे से आप लेंगे तो 1200 तक का आपको दे देंगे। ठीक हो गया। क्रैश डिटेक्शन भी है इसके अंदर, मतलब ये सेंसर टाइप उन्होंने अंदर लगाए हैं इस किस्म के कि अगर आप कहीं हिट होते हैं या गिरते हैं गाड़ी वगैरह पे या कहीं पे तो इसका ऑटोमेटिकली वो आपको SOS कॉल चली जाती है एमरजेंसी। XR 128 GB आपको मिल जाएगा 920 का, मगर आपके रेफरेंस से आएंगे तो 900 तक दे देंगे। 900 तक ये भी आपको मिल जाएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। एक मरतबा फिर हम मौजूद हैं फेमेज़ॉन मोबाइल पे और दाऊद भाई के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 14 सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है और इसने मार्केट के अंदर बड़ी हलचल मचाई हुई है, तो फेमेज़ॉन के पास भी इसका बड़ा ज़बरदस्त स्टॉक आ गया हुआ है। 14 प्रो मैक्स, 14 प्रो और जितने भी यानी कि इसके वो सीरीज़ के अंदर आते हैं मॉडल, सारे इनके पास आ चुके हैं। इनसे पूछेंगे कि जो बड़ी अहम बात है कि 14 आने की वजह से 13 के अंदर कितना प्राइस का फ़र्क आया है, कितनी प्राइस ड्रॉप हुई है और बाकी जो मॉडल है उसके ऊपर कितनी प्राइस ड्रॉप हुई है, और ये जो 14 है कब अपनी असल प्राइस पे मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, अभी इनके पास किस प्राइस के ऊपर मौजूद है। तो चलते हैं दाऊद भाई की तरफ और इनसे प्रॉपर सारी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दाऊद भाई, कैसे ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, आप सुना कैसे? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। पहली वीडियो आपकी बड़ी ज़बरदस्त चली और बड़े लोगों ने कमेंट किए कि आपने बड़े अच्छे रेट ऑफर किए, और हमें बताएगा कि अभी जैसा कि आपके पास भी स्टॉक पहुंच गया हुआ है इसका, 14 की क्या प्राइस है और कब तक अवेलेबिलिटी प्रॉपर हो जाएगी इसकी? अभी 14 जो सा इतना ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल नहीं है क्योंकि लोगों की डिमांड ज़्यादा है और मगर स्टॉक जो सा है बहुत कम नहीं आ रहा है। 14 प्रो मैक्स जो सा है अभी फुल अवेलेबल नहीं है मार्केट में, मतलब बहुत कम जो से हैं शॉप्स वगैरह पे अवेलेबल है, मगर आता है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। अभी भी हमारे पास ज़्यादा पीसेज आए थे 30-40 पीसेज, मगर अब सिर्फ जस्ट यही रह गए हैं 10-12 पीसेज। ठीक है, अभी जो आपके पास है इसकी वन बाई वन हमें बताते जाएगा कि 14 की और 14 प्रो की, 14 प्रो मैक्स की क्या क्या प्राइसेस हैं और किस प्राइस पे आपके पास अवेलेबल है, उस पर इधर आप थोड़ा सा बताते जाइएगा, अपडेट कर दीजिएगा। 14 की जो प्राइस है वो आपको मिल जाएगी, ऑफिशियल जो प्राइस है वो मैं आपको कोट कर रहा हूँ, वो मिल जाएगी 3399 में। इस प्राइस के ऊपर मार्केट में कब अवेलेबिलिटी हो जाएगी ये 3399 के ऊपर? 2 मंथ का टाइम लगेगा। ठीक है, इस प्राइस 14 मगर अभी अवेलेबल है, आपको एप्पल स्टोर से इधर से मिल जाएगा, 2-4 दिन 7 दिन का वो टाइम लेते हैं मिल जाता है। ओके, यानी कि इसी प्राइस के ऊपर मिल जाता है? इसी प्राइस में मिल जाएगा अगर आप स्टोर से लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ओपन मार्केट में जो सा है वो 100-200-300 ऊपर ही मिलेगा अभी आपको। ठीक है, ऑलमोस्ट समझे कि 4900 तक का आपको मिल जाएगा मार्केट में। ओके, इसके ऊपर चलते हैं। 14 प्रो के ऊपर कौन सा है, 14 प्रो की ऑफिशियल प्राइस क्या है और शॉर्टेज की जो सी ऑफिशियल प्राइस वो आपको मिल जाएगी ऑलमोस्ट 4299 में उन्होंने लॉन्च किया है। ये कम से कम मिनिमम GB की प्राइस वो पुट करते हैं, जब आप GB ऊपर जाएंगे तो 300-400 का डिफरेंस आ जाता है। ओके, ये ऑफिशियल प्राइस है। हाँ, और अभी शॉर्टेज की वजह से जो प्राइस वो क्या है? शॉर्टेज की जो आपके पास अवेलेबल है, आपने वो प्राइस बतानी है जो आपके पास है। ये 4400-4300 तक मिल जाएगी, 4400-4300 तक की मिल जाएगी। कलर का कोई फ़र्क आएगा कि कोई भी कलर ले सकते हैं इस प्राइस के अंदर? कलर का जहाँ डिफरेंट होता है, 100 धर्म का जो सा नया कलर है उसका लाजमी होगा 45 तक। नया कलर कौन सा है? डीप पर्पल। डीप पर्पल, ठीक है, यानी कि डीप पर्पल कलर अगर आप लेंगे ऑल ऑफ द मार्केट आपको 100 धर्म का हायर मिलेगा। और इससे ऊपर हम अगर 14 प्रो मैक्स की बात करें तो उसकी ऑफिशियल प्राइस क्या है और आपके पास उसकी प्राइस क्या है? 14 प्रो मैक्स जो ऑफिशियल प्राइस है वो है 5100। 5100 मिनिमम GB की प्राइस आपको बता रहा। ठीक है, मिनिमम GB यानी कि 64 GB, 128 GB, सॉरी 128 GB की प्राइस आप बता रहे हैं ऑफिशियल, और आपके पास जो अवेलेबल है वो किस प्राइस में है? हमारे पास जो है वो अगर आप लेना चाहेंगे तो 58-57 इस प्राइस में आएगा, क्योंकि अभी शॉर्ट है ये प्रो मैक्स। लेकिन आपके पास आ चुके हैं? हाँ, हमारे पास मौजूद हैं 256 GB में, एक्टिव स्टॉक है ये HK में हांगकॉन्ग। इसके अंदर आप मतलब के फिजिकल 2 SIM आप इसके अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, हांगकॉन्ग स्पेक्स के अंदर है? हांगकॉन्ग स्पेक्स के अंदर है, बिल्कुल। ठीक है, इसमें कलर सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को भी बता दीजिएगा कि बेहतर कौन से वाला होता है, एक्टिव सिम वाला होता है कि दूसरे वाला होता है? कस्टमर पर डिपेंड कर रहा होता है कि वो उसका यूजेज किस तरह का है। अगर उसने 2 नेटवर्क यूज़ करने हैं तो वो तो फिर उसमें भी ऑप्शन है, मगर वो ई सिम जो लगा सकते हैं।
ओके ठीक है ना, ये उसके नीड पर होता है कि कोई कहता है कि नहीं मुझे एट ए टाइम दो सिम में चाहिए और मतलब कि मैं उसको चेंज भी कर सकूँ फ़ौरन दूसरी भी लगा सकूँ, तो उसके लिए फिर हांगकांग वाला जो है ना वो सही रहता है। अब बड़ी एक अहम बात है कि जैसे 14 सीरीज़ लॉन्च हुई, इसके लॉन्च होने के साथ साथ 13 की प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट आया, कुछ कम हुई प्राइस उसकी? हाँ 13 की प्राइस पे इफेक्ट हुआ है 256 GB में, पहले ये था ऑलमोस्ट आपको मैंने पहले भी कोट की थी प्राइस शायद 3900 इस तरह, मगर अब जो शायद 3700 3600 भी सुनने में आ रहा है कुछ, मगर इससे मिलती जुलती प्राइस इसी की बिटवीन में आपको मिल जाएगा। अभी जब ये पूरी तरह मार्केट में 14 आ जाएगा, 13 की हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि और कम होगा मार्केट के अंदर प्राइसेस की? आईफोन की प्राइसेस ज़्यादा से ज़्यादा जो सा जब नया वो आता है ना मॉडल लॉन्च करते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट 200 से 300 का डिफरेंट आता है, इससे ऊपर आगे वो रुक जाता है। ठीक है, सैमसंग के मोस्टली होते हैं कि वो 1000-1500 रुपये तोड़ते हैं, मगर आईफोन नहीं तोड़ता। तो अभी आपके पास 13 का स्टॉक कोई अवेलेबल है? हाँ अभी मिल जाएगा, 13 का मिल जाएगा। 13 का, यानी कि अगर जिसने किसी ने लेना होगा वो आपसे रابطہ कर सकते हैं। वैसे तो आपके पास अभी जो ओवरऑल दूसरे फ़ोन्स हैं उसके अंदर कितना कितना फ़र्क आया छोटे मॉडल्स के अंदर, अगर हम 12 की बात करें 11 की बात करें? बिल्कुल, उनमें भी 11 जो हैं वो तो ऑलरेडी जो हैं पहले ही काफ़ी डाउन प्राइस की हुई थी, मगर उन पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा 13 पे और 12 पे, 13 प्रो मैक्स पे 12 प्रो मैक्स पे इन पर इफेक्ट पड़ेगा, मतलब वही कि 200-300 इतना गिरेगा नीचे, उसके बाद स्टॉप हो जाएगी प्राइस। तो नाज़रीन ये हमारे पास दोनों मौजूद हैं, ये 13 प्रो मैक्स और ये 14 प्रो मैक्स, ये डीप पर्पल कलर है, ये इसका जो डायनामिक आइलैंड है इसका जो फ़र्क आप देख पा रहे हैं यही ये एक बड़ा मेजर फ़र्क इन्होंने इसके अंदर दिया है। बाकी कैमरे का भी आप देख रहे हैं कि इसका ये 13 है ये 14 है, तो ये इसका बॉडी वाइज कैमरे के अंदर फ़र्क आया है। बाकी जो इंटरनल फ़र्क है वो दाऊद भाई हमें बताते हैं कि इंटरनल इसकी फंक्शनलिटी के अंदर क्या क्या फ़र्क आए हैं, तो दाऊद भाई थोड़ा सा बता दीजिएगा हमारे नाज़रीन को डिटेल से कि मेजर फ़र्क इसके अंदर क्या दिया है जिसकी वजह से लोग इतने क्रेज़ी हुए हैं इस बारे में। मेन चीज़ जो इसकी ये है डायनामिक आइलैंड दिया उन्होंने, मतलब कि ये नॉच है उसमें थी मगर इसमें आप जो है ना बिल्कुल आप देख लें ख़त्म कर दी, एक छोटा सा उन्होंने वो एक्स्ट्रा डॉट दे दिया स्पॉट दे दिया, इसको उन्होंने एप्पल ने नाम दिया डायनामिक आइलैंड। डायनामिक आइलैंड हाँ, मतलब आप इसके फेस आईडी ओपन करेंगे तो यहीं से ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और एक्टिव हो जाएगी, मतलब आपको नोटिफिकेशन वगैरह और दूसरी चीज़ें मतलब यहीं से ही एक्टिव होंगी सब कुछ। ठीक, मतलब आपको नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पे शो होगा फ्रंट। तो इसके वेट के अंदर भी कोई फ़र्क आया लग रहा है शायद? वेट ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई इतना फ़र्क नहीं है, बैटरी लाइफ इन्होंने बढ़ाई है, ऑल डे बैटरी लाइफ दी है इन्होंने। ठीक है, दूसरा इन्होंने इसके अंदर मेन चेंजिंग की है, इसकी चिप होती है बायोनिक चिप A16 की लगाई है आई थिंक, हाँ जी A16 की चिप लगाई है। दूसरा और इन्होंने इसके अंदर चेंजिंग आई है, ये आप एमरजेंसी मतलब कि कॉल वगैरह आप कर सकते हैं, एमरजेंसी कॉल इस तरह है कि एमरजेंसी SOS इसको उन्होंने नाम दिया है, वो इस तरह है कि वो सैटेलाइट के साथ कनेक्ट होती है। ओके, मगर आपके जहाँ पे सिग्नल नहीं आते वहाँ से कॉल चली जाएगी? हाँ ऑटोमेटिकली, मगर ये हर कंट्री में नहीं है, किसी किसी कंट्री में अवेलेबल है, लेकिन इन फ्यूचर आ सकता है, इन फ्यूचर आ सकता है। दूसरा इसका कैमरा आई थिंक 13 का था 12 मेगापिक्सल, इसका जो सा है 48 मेगापिक्सल रख दिया इन्होंने। ये जी कैमरे के अंदर काफ़ी मेजर फ़र्क आया है, इसका 12 मेगापिक्सल और इसका 48 मेगापिक्सल कैमरा, 48 मेगापिक्सल, यानी कि कैमरे के लिहाज से इन्होंने लोगों को बिल्कुल पागल कर दिया है, कैमरे का लेंस भी बाहर निकाल दिया है और उसको थोड़ा बड़ा भी कर दिया है और उसका पिक्सल भी अच्छा खासा इम्प्रूव कर दिया है। इसके अंदर जो कैमरे के अंदर इन्होंने फोटोनिक इंजन डाला है इसके अंदर, उसके अंदर नहीं था, अब इसके अंदर है फोटोनिक इंजन। हाँ जी, यानी कि छोटे छोटे अगर फीचर्स आप देख रहे हैं, ये कैमरे का तो बहुत बड़ा फीचर है, बहुत सारे यूट्यूबर बहुत सारे जो व्लॉग्स बनाने वाले लोग हैं वो यूट्यूब को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि ये एक्चुअल पिक्सल वगैरह आपको दे रहा होता है, तो इन्होंने और इसको इन्हांस कर दिया तो लोग इसकी तरफ और अट्रैक्ट होंगे इस वजह से। दूसरा क्रैश डिटेक्शन भी है इसके अंदर, मतलब कि सेंसर टाइप उन्होंने अंदर लगाए हैं इसके समझे कि अगर आप कहीं हिट होते हैं या गिरते हैं गाड़ी वगैरह पे या कहीं पे तो इसका ऑटोमेटिकली आपको SOS कॉल चली जाती है एमरजेंसी। ओके, यानी कि ये एक बड़ा मेजर है कि अगर आप अकेले ड्राइव कर रहे हैं, अकेले किसी जगह पर गए हैं, अब घिर गए हैं, आपका कोई एक्सीडेंट हो गया खुदा ना खास्ता, तो ऑटोमेटिकली इमरजेंसी नंबर्स जो इसमें आपने सेव किए होंगे तो उस पर कॉल चली जाएगी। तो ये कुछ बड़े मेजर इसके अंदर जो फीचर्स ऐड किए हैं फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए कि जो जो चीज़ें हैं एप्पल की, यही तो एक बात है कि ये जो लोगों की नीड होती है उस नीड के अकॉर्डिंगली चीज़ें डिज़ाइन करता है और इसी वजह से बाकी सारे ब्रांड्स को कॉपी कर रहे होते हैं। तो दाऊद भाई बताएगा कि और आईफोन 14 की वजह से बाकी ब्रांड्स की प्राइसेस के ऊपर भी इफेक्ट होगा या हुआ है? कुछ ब्रांड्स के जो लाइक सैमसंग वगैरह जो
उन पर इफेक्ट वगैरह होता है, मगर वो कस्टमर की डिमांड के ऊपर होता है कौन सा कस्टमर ज़्यादा लेना चाह रहा है। आजकल इसकी डिमांड ज़्यादा तो सब लोग इसी की तरफ ही भाग रहे हैं, मतलब सैमसंग वगैरह कितनी ज़्यादा वो सेल आई थिंक मेरे हिसाब से इतनी हो गई। तो ये 7 का स्टॉक आप मेरे पास देख पा रहे हैं, तो ये 7 जो तमाम कलर हैं इसकी क्या क्या प्राइस है मार्केट में और आपकी प्राइस में कितना फ़र्क है? कलर तो सबकी सेम ही प्राइस है, ठीक है, मार्केट में 400 का है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 380-370। ओके, तो ये भी आपको दिखा दिया जी। अब मज़ीद आगे चलते हैं इसके ऊपर, ये कौन सा पड़ा है? ये भी 7 ही, 7 ही, ये सारा 7 पड़ा जी। इस 7 का जितना बल्क जितना स्टॉक इनके पास पड़ा हुआ था वो सारा आपको दिखा दिया। 7 का बार बार बहुत सारे लोगों ने पूछा था तो वो देख लें स्टॉक इनके पास। ये किस क्या प्राइस था इसकी आपने? 400 मार्केट में प्राइस मिलेगी यहाँ पे तकरीबन 370-380 तक मिल जाएगा आपको यहाँ पर, और 128 GB है ये, ये सारे के सारा 128 GB है। हाँ, 128 GB, ठीक है। इसके ऊपर 7 के ऊपर कौन सा आपके पास पड़ा है? 7 के ऊपर पड़ा हुआ है 7 प्लस है। 7 के ऊपर 7 प्लस है, 7 प्लस का भी लोगों ने पूछा था तो जिनको 7 प्लस की रिक्वायरमेंट थी वो ज़रा स्टॉक देख लें। ये भी डिस्प्ले में थोड़े थोड़े लगाते हैं, बाकी भी डिस्प्ले में थोड़े थोड़े पड़े हुए हैं, लेकिन कलर इनके पास तमाम अवेलेबल होते हैं। अगर किसी ने लेना है तो रब्ता कर सकते हैं। ये दाउद भी इसकी प्राइस ज़रा शॉर्टली बताते जाएगा हमें। ये मिल जाएगा आपको 580 तक का, मार्केट में ये प्राइस है, आप हमसे ले सकते हैं 560 तक का आपको मिल जाएगा। 580 तक की प्राइस मार्केट के अंदर है, यहाँ से 550 तक दे दीजिएगा हमारे कस्टमर्स को आप, ठीक है, 550 तक आपको मिल जाएगा ये। और बाकी आप आइएगा तो कोशिश कीजिएगा मज़ीद भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है यहाँ से। ये जी कुछ 7 प्लस का था, आगे इसके ऊपर कौन सा पड़ा है आपके पास? इसके ऊपर फिर ये आ जाता है एक्सेस एक्स, ये फिलहाल एक्सेस है, एक्सेस है, एक्स भी ऐसी सेम ही कलर में होते हैं इसका भी, ठीक है, ये भी इसी तरह से सेम कलर में। इसकी प्राइस क्या है, कितने जीबी के अंदर है? एक्सेस ये है 64 GB, ये आपको मिल जाएगा लास्ट 800 तक का, लास्ट 800 तक लास्ट। हाँ जी, और हमारे जो स्पेशली नाजरीन आएंगे आपके पास उनको कितने का आप देंगे? ये इनको 780 तक का दे देंगे, 780 तक का आपको मिल जाएगा। और ये एक्सेस जिसे कहते हैं ये भी स्टॉक है इनके पास। आगे चलते हैं, आगे कौन सा है आपके पास? आगे आ जाता है 11, ये पीछे भी लगे हुए हैं 11, ये हमारे पीछे भी स्टॉक है, कलर हैं सारे जो आप लेना चाहते हैं। तो इसकी प्राइस क्या है मार्केट में और आपकी प्राइस में क्या फ़र्क है? 1164 GB मार्केट में जो अवेलेबल है उसकी प्राइस है 1250, 1250, मगर हमारे से आप लेंगे तो 1200 तक का आपको दे देंगे, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, आगे कौन सा है आपके पास इसके ऊपर? आगे फिर हो जाता है XR आ जाता है, XR है 128 GB, 64 GB ये दोनों मिल जाएंगे, 128 GB और 64 GB, 64 GB। इसकी प्राइसेस क्या हैं आपके पास? XR 128 GB आपको मिल जाएगा 920 का, मगर आपके रेफरेंस से आएंगे तो 900 तक दे देंगे, 900 तक ये भी आपको मिल जाएगा। अभी तो 11 Pro 256 GB अभी है, अभी फ्रेश स्टॉक आया इनके पास, तो उसके सारे कलर मेरे पास मौजूद हैं। इसकी प्राइस मार्केट में क्या और आपकी आपके पास प्राइस इसकी क्या होगी? मार्केट में जो इसकी प्राइस है वो 1750 तक का सेल हो रहा है, जो 1750 तक। हाँ जी, ठीक है, आप हमारे पास से लेंगे 1700 तक का दे देंगे आप, 1700 तक का आपको मिल जाएगा। अच्छा दोस्त भाई, एक चीज़ बताएगा कि अगर 13 सीरीज़ को लेना चाहता है आपसे तो उसका स्टॉक भी होता है आपके पास? जी जी, 13 का स्टॉक भी होता है, मगर मैंने आपको पहले भी बोला था कि आते हैं, मतलब जैसे आए हैं मोस्टली जो है हमारे फ़ौरन निकल जाते हैं, ऑन डिमांड आप मंगवा सकते हैं, ऑन डिमांड भी पड़े भी होते हैं समटाइम पड़े। कितनी देर में आपके पास आ जाएगा स्टॉक इसका? आता जाता रहता है, मगर आप जैसे कस्टमर आए वो बोलते हैं कि हमें चाहिए तो हम अवेल करके दे सकते हैं, ठीक हो गया। तो नाजरीन, आज आपको बड़ी ज़बरदस्त वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी आपके पास, 14 की सीरीज़ तमाम इनके पास अवेलेबल है, बाकी भी जो स्टॉक था वो भी सारा आपको दिखा दिया, क्या प्राइस इफेक्ट आया वो भी आपके साथ शेयर कर लिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो इसे लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, आपका जो लाइक है वो हमारे लिए एक बड़ी मोटिवेशन होती है। तो आप ही के लिए वीडियो बना रहे होते हैं कि आपका पैसा बचा सकें, आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा, अब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।